press the bell icon on the YouTube app and let सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार फखर यूसुफजई को, उनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाजिया लाइक खान जी, और ये अपने दमदार इंटरव्यू में बात करेंगी सीए के बारे में, जो ओवैसी और उसके शांति दूत बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। आती है बात कि मैं आपको एक रिपोर्ट बताना चाहती हूं। जरूर। 2014 में मेंबर ऑफ द रूलिंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज डॉक्टर रमेश कुमार ने क्लेम किया था नेशनल असेंबली पाकिस्तान में कि हर साल 5000 से ज्यादा हिंदू भारत चले जाते हैं, कभी घुसपैठिया बनकर चले जाते हैं, कभी वीजा लेकर चले जाते हैं, लेकिन चले जाना ही पसंद करते हैं। उसके बाद द औरत फाउंडेशन आपके पाकिस्तान में चलता है, जिसकी आप लोग बहुत आराम से खोल सकते हैं। उन्होंने क्लेम यूएन को भी किया है और पाकिस्तान के पार्लियामेंट को भी कहा कि 1000 हर महीने टारगेट है मियां मिट्टू पर कि 1000 नॉन मुस्लिम बच्चियों को कन्वर्ट करना है, ये टारगेट है मियां मिट्टू। तो आप सोचिए कि इतनी बहुत सारे डेटाज मेरे पास आए रखे हुए हैं यहाँ पर टेबल पर, सबको एक बार में बताना संभव नहीं होता है, लेकिन अत्याचारित तो हुए हैं। अब आप मुझे बताइए कि जिस हिसाब से भारत के वीजा डिपार्टमेंट में पाकिस्तान के हिंदू और क्रिश्चियन और बौद्ध और जैन के रिक्वेस्ट लेटर आते हैं, क्रिवांस लेटर आते हैं, और एंग्विशली वो अपनी चीजों को एक्सप्रेस करते हैं कि मुझे बुला लो, मुझे वीजा दे दो, क्या आपके पाकिस्तान वीजा डिपार्टमेंट में मुसलमानों का लेटर गया है कि मुझे बुला लो, मुझे भारत में बहुत तकलीफ दी जा रही है, ऐसा कुछ है? अगर है तो आपके चैनल के माध्यम से फकर भाई मैं कहना चाहूंगी कि उस लेटर को भरे पार्लियामेंट में नवाज शरीफ पढ़कर दिखाए। लेकिन मेरे अंदर हिम्मत है कि मैं ऐसे 10,000 लेटर्स में पढ़कर सुना सकती हूँ कि ऐसा लग रहा है कि अल्फाज में आंसू है, अल्फाज में दर्द है कि मुझे बस बुला लो, मुझे वीजा दे दो, प्लीज दे दो। अल्फाज वो लेटर पढ़ने से समझ में आता है कि हमारी आंखें भीग जाती हैं। तो आखिर भारत के मुसलमान अगर वाकई में अवेसी के हिसाब से अगर यहाँ पर बहुत पिछड़े हुए होते या वो बहुत दबे हुए होते, कुचले हुए होते, उनको उनको परेशान किया जाता, तो ऐसी चिट्ठियां तो पाकिस्तान, अच्छा चलिए छोड़िए एक मिनट के लिए पाकिस्तान, नहीं जाना चाहते क्योंकि दशा खराब है जी। अरब चले जाते, अरब की सरकार को लिखते कि हमको बुला लो, है ना, क्योंकि पूरे अरब में तो दुबई बहुत खूबसूरत शहर है भाई, बिल्कुल याशिया भी बहुत अच्छे से हो सकती है, तो बुला लेना चिट्ठियां चाहिए, पर नहीं भेजेंगे ना, नहीं भेजेंगे, वहां गाली देंगे तो जबान काट दी जाएगी, वहां जना करेंगे, मॉलेस्टेशन करेंगे तो समाज काट दिया जाएगा। तो वहां पर तो मैंने अपने, मैं जब विजिट की थी अबू धाबी अपनी फ्रेंड के साथ, तो मैं आपको बता रही हूँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कि वहां पर दो बच्चे के बाद अगर तीसरा बच्चा, डॉक्टर से पता चल जाता है कि तीसरा बच्चा करने वाली है कोई औरत, तो तुरंत पुलिस आकर के और चाइल्ड डिपार्टमेंट आकर के वेरिफिकेशन करता है कि आपकी कितनी सैलरी है जो आप तीसरा बच्चा कर रही हैं। अब अभी भारत में हम लोग बोलेंगे कि पॉपुलेशन के एक एक्ट लाना चाहिए और बच्चे कम पैदा करने चाहिए, तो पाकिस्तान तुरंत रोना गाना स्टार्ट करेगा, भाई अरब भी तो कर रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल। तो ये मुसलमान भारत के यहाँ पर बड़े बड़ी हटगर्मी से रहते हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये बस ऐठे हुए रहेंगे, ना इनको पढ़ना है, ना इनको क्रिएटिविटी करनी है, ना इनको इनको कुछ बनना है, ना इनकी जिंदगी का कोई विजन है, ना इनकी जिंदगी का कोई फोकस है। अच्छा ये फॉलो किसको करते हैं? बुखारी को, अवेसी को, ठीक है बहुत अच्छी बात है, ममता बनर्जी को फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, हर व्यक्ति का अपना एक आइडियल होता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर मैं ये सोचती हूँ कि मैं सुषमा स्वराज जी को अपना आइडियल मानती आई हूँ बचपन से, आई थिंक आई वॉज लाइक इन क्लास 9, मैं तब से सुषमा स्वराज जी को सुनती हूँ और मैं उनको अपना आइडियल मानती हूँ, तो मैं उनको फॉलो कर रही हूँ कि कभी मैं भी पार्लियामेंट में बैठूंगी जरूर। तो जैसे अवेसी के पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टैग है, अवेसी के पास लंबी लंबी हजारों गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, प्रॉपर्टी है, वो भी तो फॉलो करो ना, सिक्योरिटी है Z+, वो भी फॉलो करो ना, बुखारी
अब जो लोग बोलते हैं कि नहीं हम मौलाना बनेंगे, हम खारी बनेंगे, हम मुफ्ती बनेंगे, जो मुसलमान भारत के बोलते हैं, तो बुखारी के पास सात सात आठ आठ चार लैविश रेस्टोरेंट तो जामा मस्जिद के पास है, और ऐसा रेस्टोरेंट है फकर भाई कि कम से कम 20 करोड़ से ऊपर का एक एक रेस्टोरेंट है, तो वो भी तो फॉलो करो ना। तुम बोरे और चारपाई पे सो रहे हो, तुम दिन भर में चा पूड़ी खा करके तुम अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, तुम ठेला खींच रहे हो, तुम रेड़ी लगा रहे हो, और तुम कह रहे हो कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं, मवेशी को फॉलो कर रहे हैं, बुखारी को फॉलो कर रहे हैं। भाई कहाँ से कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो? तो ये बस ऐठे हुए हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं मुसलमान, और कुछ नहीं कर रहे हैं। लास्ट में एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा, ये जिस वक्त उस वक्त बन रहा था बहुत वावेला हुआ था शाहीन बाग, मतलब हमें तो नहीं पता इंडिया के शाहीन बाग का, लेकिन क्योंकि सुनते थे उस वक्त खबरों में लोग बैठे होते तो इंडियन चैनल, क्योंकि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग देखते रहते हैं न्यूज चैनल, तो वो दिखाते रहते थे। अच्छा नाजिया, यूरोपीय यूनियन ने भी उस वक्त थोड़ा सा इसके ऊपर वो किया था, अभी खामोशी है, अरब दुनिया ने तो खैर कुछ नहीं बोला था, इवन बांग्लादेश ने बोला था कि जी इनका इंटरनल मैटर है हिंदुस्तान का, हम इस पे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ताल्लुकात ऐसे हैं इंडिया और बांग्लादेश के कि वो नहीं। लेकिन पाकिस्तान और मलेशिया ने अब वो किया था इसके ऊपर, क्रिटिसाइज किया था इस चीज को, अभी तक कोई स्टेटमेंट वैसे अभी तक नहीं आया, ना मलेशिया का मुझे अभी तक मिला है और ना पाकिस्तान का मिला है, लेकिन कोई प्रेशर डाला जा सकता है इंडिया के ऊपर इस चीज के हवाले से? नहीं, नहीं मतलब ठीक है, वो जिस तरह बांग्लादेश ने कहा कि इंटरनल मैटर है उनका, जिनको बुलाना चाहते हैं, ये हमारा इंटरनल मैटर है। और जो नंगा नाच मुसलमानों ने पहले सीए को लेकर के शाहीन बाग में किया था, या हमारे पश्चिम बंगाल के पाक सर्कस मैदान में जावेद अहमद खान ने किया था, वो नंगा नाच अब नहीं हो सकता है, क्योंकि कानून बहुत सख्त हो चुका है ना। और 1 जुलाई के बाद तो और भी ये लोग नहीं कर पाएगा, ये जितना जंगजू टाइप का है ना, जो वो मतलब प्रॉफिट मोहम्मद की उम्मत खुद को नहीं समझ करके मुगल का सिपा सालार समझता है, अल्लाह का बंदा खुद को नहीं समझता है, अल्लाह का आईएसआई एजेंट समझता है, अपने आप को स्लीपर सेल समझता है, तो इनको इनको याद दिलाया जाएगा उस जो नए जो कानून आ रहे हैं जो 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे भारत में, उसके द्वारा इनकी नानी याद आएगी और इनको भारत के संविधान और कानून के बैरिकेड में रहना पड़ेगा। नंगा नाच ये कर नहीं पाएंगे। अब आप सोचिए क्या आप पाकिस्तान में खा रहे हैं, चलिए आप दिक्कत में है पाकिस्तान, नो डाउट, नहीं खा तो वही कर रहे हैं ना, कमा तो वही से रहे हैं ना, आबो हवा तो वही की है ना। आप एक गली में खड़े होकर के, चौराहे पे खड़े होकर के बोलिएगा कि पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कितना बुरा लगेगा? लगता है, बिल्कुल सही कह रही हैं, लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा, प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, सही कह रही हूँ। तो जो मेरे भारत में खा रहा है, अपनी बहू बेटियों को सुरक्षित रख रहा है, कमा रहा है, वो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बोलिए। अब ऐसे लोगों को तो पूरी जिंदगी जेल में ही रहना चाहिए ना। अब देखिए अवेसी पार्लियामेंट के अंदर क्या बोलता है, शिक्षा के बारे में बात नहीं करता, हालांकि सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से हम मुसलमान दलित से भी पीछे है एजुकेशन में, हालांकि पूरा भारत जो है वो 79% एजुकेटेड है, पर मुसलमान दलित से भी पीछे है, और ये सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है। अब आप सोचिए कि वो शिक्षा के ऊपर ना फोकस करवा करके मुसलमान युवाओं को वो पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर के बोलता है कि मेरी पार्टी से अगर 20 और एमपी होते तो हम अफजल गुरु को मरने नहीं देते, बोलिए। अब ये सब तो बर्दाश्त नहीं हो सकता ना। अब देखिए ऐसा है कि 1 जुलाई के बाद, तब तक लोकसभा इलेक्शन वगैरह सारी चीजें हो जाएंगी, ऐसी अभद्र बातें और ऐसी एंटी नेशनल स्टेटमेंट जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देगा, हम जैसे लोग जो भारत के प्रेमी हैं, हम तो पार्लियामेंट के अंदर से कॉलर खींच करके अरेस्ट करवाएंगे। हमने तो ठाना हुआ है कि अब हम यही करेंगे। भाई इस देश में रहना है तो कानून मानना पड़ेगा, ये पाकिस्तान नहीं है कि सिर्फ कागज पर संविधान लिख दिया गया है लेकिन मानना किसी को नहीं है, ये भारत है, यहाँ संविधान मानना पड़ेगा। राइट, तो बिल्कुल सही है, और मेरे ख्याल में बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स अभी होनी हैं इस हवाले से या इसके बाद, क्योंकि इलेक्शन ईयर चल रहा है, बल्कि अभी 1.5 मंथ में इलेक्शन होने जा रहे हैं, जनरल इलेक्शन, और दुनिया की नज़रें होती हैं, क्योंकि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहलाता है हिंदुस्तान, सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला कंट्री है, तो उस पर ज़्यादा लोगों का फोकस होता है। देखते हैं नरेंद्र मोदी साहब, क्योंकि थर्ड टर्म के लिए बड़े कॉन्फिडेंट हैं, और आवाज़ भी ऐसे चलती हुई नजर आ रही है कि वो बनेंगे, लेकिन खैर एनीवे वोट तो हिंदुस्तान के लोगों ने उनको करना है, और जो उनको वोट करेगा तो लाजमी सी बात है वो एज ए थर्ड टाइम
एज ए प्राइम मिनिस्टर इस पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे। नाजिया बहुत शुक्रिया आपका कि आपने शो ज्वाइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा जहाँ पे नाजिया खान जी ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर शांति दूतों से लेके ये जो टुकड़े गैंग वाले हैं इनको धोखे रख दिया। और मैं दावा करता हूँ ये वीडियो ओवैसी उसके चमचे बिल्कुल नहीं पचा पाएंगे। और जैसे कि आपने देखा नाजिया खान जी ने याद किया हमारी पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी को भी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। ये जो नया कानून आया CA इसके बारे में आपके जो भी विचार हैं आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियो लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।